ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री श्री महालक्ष्मीय नमः। चलिए आज आपकी वीडियो है वृषभ राशि, और वृषभ राशि जिसके यानी स्वामी जो होते हैं आपके शुक्र, शुक्र यानी आपका लग्जरियस, शुक्र यानी आपका वैभव, शुक्र आपकी सुंदरता। ठीक है, चलिए। और जो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है बुध और शुक्र जो लक्ष्मी नारायण योग बनाने जा रहे हैं उसी के बारे में हम बता रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को आपके शुक्र आ जाएंगे आपके सिंह राशि में, जहाँ पर बुध पहले से विराजमान है। तो बुध के साथ आपके अब शुक्र भी आ जाएंगे, तो इन दोनों का मिलना, इन दोनों की युति आपका बनाने जा रही है लक्ष्मी नारायण योग। ठीक है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण योग की जो बनने जा रहा है, और इसके बनने से आप ये समझ लेना कि आपके सोर्स ऑफ इनकम में एक नई दिशा, एक नया बदलाव, एक नए रास्ते खुलेंगे, और आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है मैं पूर्ण रूप से सुधार आएगा। ठीक है, और आपके जीवन में एक नई स्टेबिलिटी आएगी और एक नई आशा की किरण, जीवन में एक नई उमंग आपको नजर आएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कहाँ पर आ रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव में जो राशि विराजमान है वो 5वीं राशि विराजमान है जो सिंह राशि होती है, और वहीं पर पहले से आपके बुध विराजमान है, और अब साथ में आपके आ जाएंगे शुक्र भी। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, बुध को हम किससे देखते हैं? बुध को हम लक्ष्मी नारायण से भी देखते हैं, अपना ऐसे आप श्री इनसे देखते हैं, आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए। ठीक ना, विष्णु जी से देखते हैं, क्योंकि विष्णु जी का ही प्रतीक है अपने आप में ये। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हैं। और जो आपके शुक्र हैं वो अपना लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी का प्रतीक है, उन्हें हम लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे माने। ठीक है, वो आपके हरि विष्णु हो गए या आपके लक्ष्मी जी हो गए, तो इन दोनों का मिलना हमारे जीवन में ये दर्शाता है कि जो हमारा जो इन दोनों का मिलना लक्ष्मी नारायण योग दर्शाता है। ठीक है, चलिए। और वैसे भी बात कर लेते हैं, जो आपके 1, 4, 7, 10 किसी भी कुंडली में जो आपके ये होते हैं भाव होते हैं, केंद्र स्थान जिसे हम कहते हैं, इस भाव में होना अपने आप में ये जो प्रतीक हैं ये आपके विष्णु के ही प्रतीक है। ठीक है, आप इसे ऐसे मान सकते हैं जो हमें दिखाते हैं, और ये 5 और 9 जो हमें दिखाते हैं, त्रिकोण जो दर्शाता है, ये हमारा लक्ष्मी का भाव दिखाता है हमें। ठीक है, तो इन्हें हम ऐसे भी मान सकते हैं। और ये आपके कौन से भाव में आए हैं? ये आपके चतुर्थ भाव में आए हैं। तो चतुर्थ भाव में आने का मतलब क्या? आपका वैसे भी इनका लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और ऊपर से ये 7 ही बैठ गए हैं, तो ऐसे भी 7 लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो कितना शुभ होगा अभी हमने आपको बताया, क्योंकि जो आपके इनकम ऑफ सोर्स के जो रास्ते हैं, जो आपकी सोर्स है आपकी, वो आपकी एकदम से चेंज हो जाएगी। जो अब तक नहीं हो रहा था वो एकदम से चेंज होगा, और एकदम से आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे जीवन में कौन सी नई आशा, कौन सी नई किरण, क्या हुआ जो हमारे अंदर चेंज हुआ। ठीक है, बुध, बुध क्या है? बुध आपका व्यापार है, बुध आपकी बुद्धि है, और बुध आपका आप कह सकते हैं ग्रहों के राजकुमार भी है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आदमी का एक आपने देखा होगा, किसी भी आदमी के अंदर एक अपनी इंटेलिजेंसी जो होती है, एक अपना टैलेंट होता है, यही बुध की एक निशानी है कि बुध, जिसका बुध सही होता है उस आदमी के अंदर टैलेंट अपने आप में एक अलग तरीके का होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और जब आपकी तो राशि के स्वामी ही शुक्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो लक्ष्मी साक्षात विराजमान है, और पूर्ण रूप से भी आपके जो केंद्र स्थान में आपके बैठे हैं, तो चौथे घर में आपके विराजमान है, जो जहाँ पर ये आए हैं, तो ये दर्शाता है कि हमारा लक्ष्मी नारायण जो योग है वो हमें पूर्ण रूप से हमारे वैभव, हमारे पूर्ण विलासताओं की पूर्ति करेगा। क्योंकि जिस भाव में ये आए हैं उस भाव का मतलब होता है आपका जितनी भी भौतिक सुविधाएं होती हैं, जितनी भी आपकी लग्जरियस सुविधाएं होती हैं, जो भी फैमिली की आपके पारिवारिक चीज़ें होती हैं, वे सारी चीज़ों की पूर्ति, हमारे इन्वेस्टमेंट की, हमारी जितनी भी लग्जरियस चीज़ें होती हैं, चाहे उसमें गाड़ी आती है, वाहन आता है, ठीक है, चाहे घर आता है, मकान आता है, ये सब हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें इसी हाउस से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर इनका बैठना अपने आप में हमें ये दर्शाता है, और अपने उसमें कि हाँ ये सब चीज़ों की हमें प्राप्ति होगी।
ठीक है। चलिए, और यहाँ से जो जो चीज़ देख रहे हैं आप ये समझे, यहाँ से देख कहाँ रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल ये सीधे अपने सामने देख रहे हैं, क्योंकि एक जो सातवीं दृष्टि प्रधान है इन्हें, सातवीं दृष्टि को हम समझ लेते हैं वो कहाँ पर पड़ रही है, वो हमारे कैरियर हाउस पर पड़ रही है, ठीक है, हमारे यश पर पड़ रही है, हमारी प्रसिद्धि पर पड़ रही है, हमारे रोजगार पर पड़ रही है, और हमारे कर्म क्षेत्र में इनकी नज़र, इनकी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब कितना शुभ हो गया, जो भी लोग इस समय जो लोग हैं आपने देखा, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास कोई स्रोत नहीं है, या जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, ये इस समय वो समय होगा जिस समय अगर आप चाहोगे, अगर आप मेहनत करोगे, तो कुछ ना कुछ आपको 100% प्राप्त होगा। और ये मतलब आप मान लीजिए कि आपके जीवन में जो चेंजेस आएंगे आपको नज़र आएंगे। एक तो होता है कि चेंजेस आए आपको पता ही नहीं चला, लेकिन ये चेंजेस आपको नज़र आएंगे और इसी अगस्त के महीने में नज़र आएंगे, ठीक है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, वो भी आप समझ लें कि क्या उपाय आपको करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है ये समझ लीजिए आप। 2 तारीख को आपका जल है, आप ऐसे मान लीजिए शिवरात्रि है, तो 2 तारीख को आपको क्या करना है, 2 तारीख को भोले के जब आप दरबार में मंदिर में आप जाएंगे, तो जब भोले पर आप रुद्र अभिषेक वगैरह जो भी करते हैं अपना, जो आपको करना है उस पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखें जो आपको करना है अर्पण। एक तो आपको दूध हो गया, दही होगी, आपका घी हो गया, शहद हो गया, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको गन्ने के रस का भी आपको अभिषेक करना है, आप ये समझ दें। गन्ने का रस जरूर चढ़ाना है, जरूर चढ़ाना है, तो जरूर चढ़ाना है, ठीक है। ये जैसे ही आप करेंगे, इन सबको करने के बाद आपको क्या करना है, बाद में गुलाब का फूल लेना है, और गुलाब का फूल लेके आपको भोलेनाथ के ऊपर जब आप अर्पण करेंगे, शिवलिंग पर अर्पण करेंगे, तो उसे आप कुबेर के रूप में देखते हैं, तो एक नाग देवता के रूप में आप देख लें, और कुबेर के रूप में भी आप उसे देख सकते हैं। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपका मतलब एक विश है, उस विश को आप वहाँ मांग सकते हैं, और जैसे ही आप करके आएंगे, आप देख लेना इसका जो आपको फल मिलेगा, आपको 1 हफ्ते में ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ लाइफ, आपकी हर चीज़ चेंज आपको नज़र आएगी। इस बात का आप अंदाज़ा लगा लें जो हम आपको बता रहे हैं, ये सत्यता वाली बातें बता रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं बता रहे हैं, और जो आदमी इन सब कामों को करता है वही समझ सकता है। हम इन सब कामों को करते हैं, इस चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करे हुए, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एक आपका भाव जो जिस भाव में वो विराजमान है वो आपका मोक्ष का भाव है, यानी जहाँ मोक्ष कब मिलता है आपको, जब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और जो अगला भाव है जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है वो आपका अर्थ है, यानी हमारे जीवन का अर्थ क्या है, भाई किसी ने ये करा, किसी ने वो करा, किसी ने नौकरी ढूंढी, किसी ने व्यापार लगाया, तो दोनों का जो आपका अर्थ और जो मोक्ष आपका आ रहा है, इन दोनों के भाव को समझें, और इसका जो समीकरण है जो लक्ष्मी नारायण योग का या राजयोग का जो इस समय आपका चल रहा है, इसका पूर्ण रूप से अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो जो हमने आपको बताया इस चीज़ का आप पालन करें, और पालन करने के बाद आप खुद देखेंगे कि हाँ हमारे जीवन में कितना चेंजेस आया और कितनी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना, जो हमने आपको बताया, ठीक है। क्यों, और जो वैसे भी आप देखें आपके दो तरीके बन रहा है, क्योंकि आपके केंद्र स्थान के हिसाब से भी बन रहा है और त्रिकोण के हिसाब से भी बन रहा है, आप ऐसे माने, ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए शुभ है, और वैसे भी शुभ हो गया। और साथ के साथ एक और चीज़ है, इस महीने आपको सूर्य का भी साथ मिलेगा अगस्त में, तो सूर्य का साथ यानी सूर्य क्या है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके ग्रहों के राजा हैं, सूर्य आपका सम्मान है, और सूर्य आपके पिता के कारक भी हैं, तो यहाँ भी आपको सूर्य का फायदा मिलेगा। और तीसरी एक खास बात, ये तीनों के तीनों आपस में मित्र हैं, जो आपके स्वामी हैं वो भी मित्र हैं, क्योंकि आपके स्वामी कौन है, शुक्राचार्य हो गए, और जो आपके बुध हो गए, और आपके सूर्य भी हो गए। अगर आप इन्हें ऐसे भी देखते हैं तो ये तीनों के तीनों आपके स्वामी मतलब जो है तीनों के तीनों आपस में इनके मित्रता है, तो इनकी जो मित्रवत अवस्था है उस रूप से भी आपको फायदा होगा, आप इसे ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का जो आप फायदा उठाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। और जहाँ वो आपकी दृष्टि पड़ रही है उनकी, वो भाव कौन सा है, वो भाव आपका दशम भाव है, आप ऐसे अंदाजा लगाएं, दशम भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान आपकी कुंभ राशि विराजमान है, और कुंभ के स्वामी कौन होते हैं, शनिदेव होते हैं, और शनिदेव भी इनके मित्र हैं, तो शनिदेव क्या है, न्याय के और कर्म के देवता हैं, आप ऐसे मान लीजिए। तो इन तीनों का, इन चारों का मिलना आपके लिए, आप ये समझ लीजिए कि आप समझ नहीं सकते कि आपके जीवन में क्या चेंज ला सकता है, ठीक है। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, अगर आप इसका उपयोग, इसका पालन करेंगे तो आपको इसका पूर्ण रूप से फायदा होगा। इस